News 18, India. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी से पूछताछ में बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी ने एनआईए को बताया कि वो देश भर में कई जगह बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने हमले के लिए कुछ खास जगहों की रेकी की थी। यही नहीं, आरोपी मोहम्मद जोहेब महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से लड़ाकों की भर्ती कर रहा था। आरोपी मोहम्मद जोहेब सीधे सीरिया में बैठे लोगों के साथ संपर्क में था। एनआईए ने उसके घर से जिहाद से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए हैं। अब एनआईए ये पता करने में जुटी है कि मोहम्मद जोहेब महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में किन किन लोगों के साथ संपर्क में था। दरअसल पिछले 6 महीने में एनआईए ने महाराष्ट्र में आईएसआईएस का दूसरे मॉड्यूल का ये पर्दाफाश किया है, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। तो देश में बड़े आतंकी हमले की फिराक में था मोहम्मद जोहेब ने ये खुलासा किया है। एनआईए ने उससे पूछताछ की है और हमले के लिए उसने कई जगह रेकी की थी। और मुंबई से न्यूज 18 इंडिया के विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, अभी तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है, क्या कबूला है इसने? जसमीत, देखिए अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है, अभी कुछ देर पहले ही आरोपी मोहम्मद जोहेब को एनआईए स्पेशल कोर्ट मुंबई में पेश किया गया है और एनआईए कोर्ट ने मोहम्मद जोहेब को 1 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है, पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब 1 मार्च तक एनआईए के अधिकारी जोहेब से कड़ी पूछताछ करेंगे और कोर्ट में भी एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है और कोर्ट में साफ तौर पर एनआईए के अधिकारी ने कहा है कि जोहेब के पास फंडिंग कहाँ से आती थी, वो पैसा जो रिक्रूटमेंट लगाते थे वो पैसा कहाँ से आता था, जो उसने वाइटल इंस्टीट्यूशन रेकी की थी जहां पे वो बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, इसके पीछे के जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो कौन है और विदेशों में ये किन किन लोगों के साथ संपर्क में था, ये 3 चीज इन्वेस्टिगेट करनी है एनआईए की टीम को। इसलिए एनआईए ने कोर्ट में इन 3 बिंदुओं पर पुलिस कस्टडी मांगी, ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन एनआईए कोर्ट ने 1 मार्च तक आरोपी मोहम्मद जोहेब को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन में चौंकाने वाली बात यह है कि जो मोहम्मद जोहेब है, एक ग्राफिक डिजाइनर है पेशे से, महाराष्ट्र के छत्रपति महाराज संभाजी नगर में रहता था, कई सालों से वहां पर रहता था और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। जो सोशल मीडिया के जरिए वो आईएसआईएस विदेशों में जो बैठे हैं सीरिया में, उनके संपर्क में आया, उनके संपर्क में होने के बाद ये बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो गया और जो पूरा का पूरा रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन में ही इसे बताया गया कि उसे महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जो लड़के होते हैं उन्हें आईएसआईएस में शामिल करना है और महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में वाइटल इंस्टीट्यूशन पर आतंकी हमले करने हैं। ये कुछ अहम जो खुलासे किए हैं वो एनआईए ने किए हैं और एनआईए सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम अब इससे पूछताछ करने के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर जहां जाएंगे लोग संपर्क में थे, मोहम्मद जोहेब के संपर्क में थे, उन लोगों के साथ भी पूछताछ करेगी। दूसरी अहम बात यह है कि जो मोहम्मद जोहेब से फोन, लैपटॉप और उसके घर से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उससे मिले हैं उसे ऑफिशियल भेजा जा रहा है। उस मोबाइल और लैपटॉप में जो भी नंबर मिलेंगे जो सोशल मीडिया के साथ संपर्क में थे उनकी भी जांच एनआईए कर रही है। ठीक है, तो 1 तारीख तक की रिमांड अब मिल चुकी है। एनआईए की टीम आगे अब पूछताछ करेगी मोहम्मद जोहेब से। और इसके पहले आरोपी मोहम्मद जोहेब को एनआईए ने छत्रपति संभाजीनगर मॉड्यूल केस के मामले में गिरफ्तार किया था। एनआईए की कई टीमों ने आईएसआईएस मॉड्यूल केस से जुड़े हुए इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में कई जगहों पर छापेमारी की और इसी दरमियान एनआईए को जानकारी मिली थी कि संभाजीनगर मॉड्यूल और इसके नेटवर्क से जुड़े हुए संदिग्ध लोग कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, साथ ही इमारतों, हर जगहों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। और जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले, प्रतिबंधित साहित्य मिला है, इस्लामिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और अभी फिलहाल ये कस्टडी में एनआईए की है। 1 तारीख तक की इसे कस्टडी मिल चुकी है। आगे अब पूछताछ की जानी है और जाहिर सी बात है एनआईए को यही लग रहा है कि अब जब पूछताछ की जाएगी तो कुछ और चीजें भी निकल कर सामने आएंगी। विवेक, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, कई महत्वपूर्ण इमारतें जगह निशाने पर थी जिसकी रेकी की गई थी, क्या इन जगहों के बारे में खुलासा हो पाया है? देखिए, इस पूरे मामले में जो एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पे जब सब कहा था कि कहां कहां जगह पे ये वाइटल इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर चुका है, तो एनआईए ने साफ तौर पे कहा कि काफी ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार किए हुए सिर्फ 24 घंटे ही हुए हैं, इसलिए उसे
ट्रैवलिंग में ही ज्यादा समय गुजर चुका है। औरंगाबाद से उसे मुंबई लाया गया है, मुंबई में आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। अब जो 1 मार्च तक एनआईए हिरासत में से मोहम्मद जुहैल को भेजा गया, वहां पे उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन शुरुआती पूछताछ में से एनआईए ने बड़े खुलासे किए कि वाइटल इंस्टॉलेशन किसने रेखी की थी, वहां पर ये बड़े साजिश और बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। इसी वजह से एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया है। यूएपीए के तहत यानी कि जो टेरर एक्ट होता है उसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में पेश किया गया है। जसप्रीत।